जकड़ लो उसको अंदर से और तेज ही जकड़ा उसको। झगड़ लो उसको और तेजी से। लगा पूरी ताकत लगा। चल बोल, कब मारने वाला था अम्मास में पुन्ना पे? कब मारने वाला था? कैसा मारने वाला था? झगड़ो उसको और तेजी से। झगड़ो उसको, बताओ उसको किसके सामने बैठा नाला को झगड़ो तेजी से। कितने लोगों को मारा उनके घर से? किसका नंबर इनके पास कैसा मारने वाला है? बीमारी डाल के एक्सीडेंट करके जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो उसको अंदर से। इससे पहले हाथ हुआ उनके अंग कभी जोर से बोलो कौन है तुम उनके और कौन कौन आए साथ में? इनो कौन है? जोर से बोलो। मैं भोने उनका। इनके इससे पहले कभी आया क्या उनके अंग पे? नहीं नहीं नहीं। तुम लोग खाली बीमारी समझ रहे थे।
जकड़ लो उसको और तेजी जकड़ो उसको अंदर से। जकड़ो उसको बुलाओ जंजीरा वालों को, उसको मार दे रहा हूं जकड़ के तेजी से। अभी जकड़ो उसको तेजी से। क्या ऐसा रहता लोग क्या समझ रहे, कुरान और हदीस और अल्लाह उसकी रसूल, छो जाने का हुक्म नहीं दिया मैं तुझे। मारो उसको तेजी से अभी, जकड़ो उसको और मारा भागने को देख रहा हूं, भागो उसको तेजी से कस के। जब तक मेरे सवाल जवाब नहीं करेगा जाने का हुक्म नहीं दूंगा, जकड़ो उसको तेजी से। क्या इशारा था अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूत से इस वास्ते थामो बोले आला है, ऐसे तुम्हारे शयातीनों से, ऐसे जादू टोनों से, ऐसे दूसरी दुनिया जो उससे तुम्हारी कूदेंगे। इतने फाइला है, सब कौन कौन से दवा खाने में जूम करो, सारे रिपोर्ट आए हैं, सारी दास्तान। क्या फायदा हुआ, कभी हाजिर नहीं हुआ पे, यहाँ आते पहली बार हाजिर हुआ, इन्हें बीमारियां लगा रहा था अंदर, इन्हों क्या समझ रहे थे दवा खाने में जाकर की बीमारियां हैं बीमारियां हैं बीमारियां हैं। यहाँ आने के बाद क्या सामने आया, इसलिए 99-90% बीमारियां हो सकते लोगों को, मगर ये दौर ऐसा चल रहा 10% बीमारी है लोगों को, 90% जादू होने का खेल चल रहा है। देख लिया ना ये दास्तान, इस वास्ते बेहतर है कि कुरान और हदीस की रस्सी को मजबूत समझो। तुम अगर पहले से पढ़ेंगे तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चला सकता, जादू टोना होने के बाद तुम पढ़ने जाएंगे तो तुम्हारे को पढ़ने देते नहीं, शयातीन रोक देते तुम्हारे इबादत के करीब नहीं जान देते। जकड़ो जरा इसको और तेजी जकड़ो। पहली बार यहाँ हाजिर हुआ उनके आंख में फर्स्ट टाइम, किसी का फर्स्ट राउंड में आता, किसी का दूसरे चक्कर में आता, किसी का तीसरे चक्कर में आता, इनका फौरी हाजिर कराए, सब यहाँ अल्लाह के कलाम की दास्तान चलती है, अल्लाह के हुक्म से चलता। और ये देखो कितने रिपोर्ट आप पढ़े आ रहे, ये सब लेके आए हूँ साथ बताने के लिए, बता रहे थे रिपोर्ट की बीमारियां हैं, क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कोई बीमारी नहीं आंख में शेह हाजिर, खाना नहीं खा सकते थे उनको, ये तकलीफ थी बोलते उन्होंने बता रहे थे रिपोर्ट पढ़ते कि खाना खाती हुई मीटिंग होती थी, क्या प्रॉब्लम होता था उनको, घुमाओ क्या मतलब उल्टियाँ होते हैं वो कभी महीने में एक बार कंटिन्यू हो गए तो 10-12 दिन उसमें पानी भी डालो पानी भी निकलता, दवा खाने बता रिपोर्ट निकाले कुछ फर्क नहीं हुआ। देखो ऐसी दास्तान हर चीज को अल्लाह ने दुनिया में बनाया, ऐसा नहीं है कि साइंस एक अपनी जगह है, जहाँ पर साइंस की सरहदें खत्म हो जाती वहां से जादू टोने की सरहदें चालू, साइंस की जहाँ पर सारी क्लासेस खत्म हो जाती जहाँ बंद हो जाती सोच जाना, जहाँ से साइंस की रुक जाती वहां से जादू टोना स्टार्ट होता। या ऐसे अमल अमलियात ऐसी दुनिया है, वहां से दूसरी दुनिया स्टार्ट होती। बहुत बड़ा राज है दुनिया और बहुत दास्तान है दुनिया के अंदर, अभी तक दुनिया को सही मायनों में कोई नहीं सीख सका, बहुत इल्म का समंदर है दुनिया, बहुत सी बात है। जाने का हुक्म नहीं दिया मैं तुझे, लंबा हाथ भागने को दिख रहा रे, झगड़ो उस पर तेजी से। ऐसी तड़पागे तड़पा तड़पागे मार डाल तो नहीं छोड़ तो नहीं। हाँ, अच्छा नहीं मार डाल तो चढ़पा के। अच्छा ना, और क्या करने वाला था, ऐसी तड़पा तो तबाही बर्बादी भी कौन लगाए थे, तबाही कौन कर रहा था घर में,
मैं मैं कर रहा था। अच्छा मैं और क्या कर रहा था? और क्या कर रहा था? और क्या कर रहा था? इसको निकाल दे रहा था मैं। अच्छा क्या बोल क्या पूछा मैं? जल्दी खुद मार दे और मारो जल्दी सवाल के जवाब दे मेरे। हाँ अब अब्बा याद आ रहे, अब मार पड़ रही तो अभी तक परेशान कर रहा था वो लोगों को, अब देखा कैसी मार पड़ती है। तो देखा कितने दिन के बाद मारना था? कि महीना, छह महीना, एक साल, कितना टाइम है अभी? अभी दो महीने में, दो महीने में, दो महीने में मार डालना था भाई। अच्छा में आवाज में, आवाज में मार डाल दो भाई, आवाज में मार डाल दो भाई। इससे पहले कितने लोगों को मारा? बहुत। कितने? बहुत। कहाँ कहाँ? कब्रिस्तान से आया था वहां से मोटे से कहां से? हां लागे जोड़ा मेरे को इसके। अच्छा इसके ने लागे जोड़ा माटो बोल के। अच्छा इसको सता रहा भाई। अच्छा इसको सता दो, इसको बाटा तो मैं नहीं रख तो भाई, हां नहीं रख तो भाई। काय में मिलाकर खिलाए थे? काय में मिलाकर खिलाए थे उसको? खाने में, खाने में कौन सा खाना था वो? नहीं बोलता, बोलना नहीं बोलता भाई, बोलना पड़ता है। देखा कैसी ताकत है तो और मारने लगूंगा। नारा ओ जल्दी, कौन सा खाना था वो? कौन सा खाना? बोटी में, बोटी में, बोटी में। अच्छा कितना टाइम पहले खिलाए थे? वो कितना वक्त होगा? कितना वक्त हुआ? बहुत दिन होगा, बहुत दिन होगा। कितने साल होगा? बहुत साल होगा, बहुत साल होगा। नाम पूछा? नाम पूछूंगा तो तुम लोगों के साथ झगड़े में मेरा कुछ नहीं करता। नाम पूछा तो मालूम पड़े, लिख के देना पड़ेगा तुम्हारे को। पूछो तो पूछो नाम। नाम बोले तो उसके जवाबदार हम रहेंगे। चल रे बोल, कौन डाले थे तुझे? औरत थी, आदमी था? कौन कौन था वो? नहीं बोलता भाई, कौन मत पड़ जाएगा, पूरा खत्म कर दूंगा, बहुत जल्दी पूरा जला दूंगा। कौन है? जल्दी कौन है वो? कौन है? दो जने। दो जने। क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं मालूम। बोल, काट दूंगा अभी, भस्म कर दूंगा पूरा। जल्दी बोल कौन है वो? तो बोल जल्दी, बोल। इधर लगाओ नाक में, बोल जल्दी। मैं बहुत बुरा मारूंगा अभी, अभी तो पेट में नाक लगा दूंगा पूरी। जल्दी बोल, झगड़ो उसको तेजी से। और कौन है? बोल नाम, बोल। हाँ कौन है? बड़ी दस्ती रुमाल पूछेगा, बड़ा बड़ा कपड़ा उपड़ा के तुम्हारे पास होता सामने ला लूंगी। हाँ बोल, हाँ बोल जल्दी।
नहीं मेरे पास, कौन थे बोलो? दो जने, दो जने, दो जने थे, दो जने हैं। नाम बोल, चल दे। हाँ बोल। हाँ क्या? दोनों भी औरत है क्या? एक आदमी एक औरत है। अच्छा, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते? कहाँ रहते वो लोग? कहाँ रहते वो? महाराष्ट्र में रहते, हैदराबाद में रहते? वहीं रहते, वहीं रहते। कहाँ पे? वहीं, वहीं रहते। कौन से गांव में? हैदराबाद में। हाँ, वहीं रहते। गांव, कौन से गांव? हैदराबाद में, हैदराबाद में रहते। अच्छा, इसकी औरत की रद्दी की क्या दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी? इसको, इसको, इसको नहीं रखना चाहते। इसको नहीं रखना चाहते उन लोग। अच्छा, दुनिया में? हाँ, इन्हें काटा है। इन्हें, इन्हें, इन्हें उड़ा देना है इसको। अच्छा, जादूगर को कितने पैसे दिए थे? कितने लाख दिए? सही बोल, कितने हजार दिए? कितने पैसे दिए थे? बोल, हाँ बोल। अच्छा रे, घूमने दिया मेरे को, जकड़ो तेजी से। और नाला, और भागने को देता ना, जल्दी सही सही बता, पूरा डालो उसको जंजीर और तेजी से जकड़ो। हाँ चल बोल, हाँ बोल। ऐसा कौन थे वो? क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी क्या? हाँ बोल। इन्हें, इन्हें आगे चले जा रहा। उसलिए, उसलिए उठा देने का है। उठा देने का है इसको, उठा देने का है इसको। नहीं रखना है, इन्हें बहुत आगे जा रहा। मैं नहीं रखता इसको, तो उड़ा दे तो मैं इसको। बहुत आगे जा रहा था इन्हें। मेरे को भेजे। कौन भेजे थे? दोनों के नाम? दोनों के नाम नहीं बोलता भाई, नहीं बोलना। नहीं, मुझे फिर चला मेरे दरवाजे नहीं तेरी। जल्दी बोल, हाँ बोल, हाँ जल्दी। जाने नहीं देता, जल्दी बोल। क्या तो भी नाम है उसका, क्या तो भी नाम है। देख लिया कौन है? मैं तो देख लिया ना, क्या ताकत है मेरे पास में? जैनाश, जैनाश। और, और, और कौन है? और, और कौन है वो? आदमी है वो? आदमी है। हाँ, उसका नाम? आदमी है। उसका नाम? मसूद, मसूद, मसूद। अच्छा, कौन है ये? वो मामू ससुरा है हमारा। और ये हजरत का क्या नाम? इनका जोर से बोलो, ये जबान पेट में गई क्या तुम्हारी? डर गई क्या? सैयद जफर। ये जफरुद्दीन का कौन होता वो? नहीं, इनका नाम जफर है। सैयद जफर। वो क्या नाम बोला तूने? कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? मसूद। अच्छा, वो कौन होता इनका रिश्ते में? जाने का हुकुम नहीं दिया मैंने, बहुत मारने लगूंगा और तेजी से। हाँ बोल जल्दी, जल्दी बोल। हाँ, कौन होता वो इनका रिश्ते में? मामू। अच्छा, मामू। अच्छा, कहीं में खिलाया था कहीं में? पावर कौन है? मामी, मामी। हाँ, चपड़ जा तेजी से। तुझे कहाँ से लाए थे? कब्रस्तान से लाए, मसनवाड़े से लाए थे? कहाँ से लाए थे? तुझे कहाँ से लाए थे? नाक पोछो।
मसान के टीचे। मरने से पहले क्या नाम था तेरा? क्या नाम था? मर के भी लोगों को चैन से नहीं अंदर आ रहे। जादूगर को कितने पैसे दिए थे? कितने दिए थे? कितने दे के ला? कितने? कितने? कितने ला? कितने? अरे नहीं बोलता, नहीं बोलता। बोलना पड़ता रे, तकिया कलाम दिखा रहा है, नहीं बोलता। हमारा भी तकिया कलाम, बोलना पड़ता तुझे। बोल। बोल। 70,000 और दिए उसके बाद में? एक ही बार दिए थे? एक ही बार, एक ही बार। क्या नाम है? क्या भाई ऊपर उड़ा क्या नाम? क्या नाम? सैयद जफर। जफर के बच्चों पे भी करे जादू टोना? बेटियों के बच्चों पे भी करे? करे? नहीं नहीं। क्या नहीं? नहीं नहीं करे। खाली इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसको मार डालना है, मार डालना है इसको। देखा ना तू इसके सामने बैठे तो देखिए किसके सामने बैठे को अब तो बहुत मारने लगा था, जान लेगा तेरे हाथ तोड़ के फेंकने लगा देता हूँ। तोबा कर तो और मारने लगाऊंगा, जल्दी तोबा तोबा कर। जाने का हुक्म नहीं दिया मैंने, ना तोबा कर प्लीज, मैं जान लेता हूँ ऊपर। थोड़ा जल्दी तोबा कर, जल्दी कर दो। हाँ तोबा, ये उस शैतान की तोबा, ऐसी बात रहती ये इस बात से अल्लाह ने दुआ मुंह में दिया रखा। चल भाग नालायक, सारी तेरी तंत्र मंत्र की क्रिया निकाल के जलाता हूँ, बाद में बंदिश में लेता हूँ। बाप का राज चल रहा है, ऐसे जाना लेने को लोगों के ये ऐसा है, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम उनके आंग में क्या है क्या है। उन तो आज तक इस पल कभी हाजिर हुआ क्या उनके आंग पे? जोर से बोलो ना, तुम्हारे पेटों में जबान आ गया क्या? डर गए क्या? बोलो तो महीने में नहीं, अम्मा उसको पूरे को 3 दिन 4 दिन होता था उल्टा। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल लग गए, ये लग गए, वो लग गए। ये महीने में तो 2 महीने के बाद नए हुए, 2 महीने के बाद जो तो कंटिन्यू 12-15 दिन एक साथ चालू खाया हमने, खाया हमने, खाओ खाली पानी खाए तो खाओ। उनको कभी हाजिर हुआ क्या सांग पे शैतान? नहीं नहीं हुआ। तुम बीमारी समझ रहे थे? अभी तक हम नहीं मालूम। तुमने भी करे होंगे थोड़े बहुत इलाज भी करे? करे इलाज करे। वहाँ कहीं हाजिर हुआ? कहीं भी नहीं हुआ हाजिर। जोर से बोलो क्या बोलो? कहीं भी नहीं हुआ हाजिर रहता। देखिए अब क्या दास्तान थी, तो अब मेरे मुंह से बोला क्या मैं कुछ? हाँ उनके मुंह से पूछा ना। पानी की बाटलियां भी तुमने बाहर से लाए थे दोनों बिस्लरी, और ये मेरी तरफ से लेके भी जाओ और उनके मुंह पे मारते रहना बाद में सुबह शाम दो टाइम, ठीक है? कुछ तुम्हारा पानी तुम लाया हो ना तुम इतने जाओ। और दूसरी बात के सबसे अहम बात यह ऐसा रहता, जादू टोना शैतानी बहुत खतरनाक चीजें हैं। हाँ साइंस ने भी तरक्की करा, मगर अभी साइंस वहां तक नहीं पहुंचा। जब जहां से साइंस की सारी सरहदें खत्म होती वहां से जादू टोने की सरहदें स्टार्ट होती, जहां से पूरी इंसान की सोच बंद हो जाती वहां से दूसरी दुनिया की सरहदें चालू होती। ये बहुत सारे गहरे राज है दुनिया, इसके बारे में कितना भी रिसर्च कर लेंगे तैयारी कर लेंगे तो जिसपे बीतता सिर्फ उसको ही पता चलता, जिसपे नहीं बीतता उसको नहीं पता चलता। इस दौर में ऐसा होगा कि 90% लोग अभी इससे पहले कैंसर का पेशेंट लाए थे उनके भी आंग में आया कैंसर, कैंसर बोल रहे थे हमारे आंग में आगे उन्होंने कैंसर मई करा कैंसर। अभी इनको मीटिंग हो रही थी, इतने फाइल लाए बताए क्या हुआ, अभी उनके आंग में आया सडनली और क्या बोल के गा? तुम लोगों ही देखो, तुम लोगों ही डिसाइड करो। इसलिए बहुत बड़ी जात है अल्लाह की और सारी कायनात है अल्लाह की, गुलाम है अल्लाह के हुक्म की। असल कायनात सातों जमीन सातों आसमान का मालिक, 18,000 मखलूक का मालिक अल्लाह है। और दूसरी बात कि उसका जो कलाम इलाही है सातों आसमान में जमीन में सबसे बड़ी ताकत वाला है। इसलिए 5 टाइम की नमाज पढ़ो, इबादत करो ज्यादा से ज्यादा। अरे क्या होगा तुम्हारा, क्या हुआ था? अजय दूसरा दिन निकला ना उठो, क्या हुआ था? बैठा कहाँ बैठे थे? सो कैसा कहते तुम?
दो दिन से सो रहे थे तुम, दूसरा दिन निकला है ना। और दूसरी बात क्या बोलते, देखो क्या टाइम होगा, कब आए थे तुम अंदर? याद नहीं? अभी क्या हुआ यहाँ पे, इतना पानी कस का गिर गया आपके ऊपर, बारिश हुई क्या बाहर? क्या हुआ था? खैर जो भी है, तो मैं सब लोगों को बार बार एक ही बात बोलूंगा कि जादूगर के पास जाना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना फरमाया वाला है, सख्त मना फरमाया कि जो जादूगर के पास जाएगा वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, वो हमें से नहीं है, और जो जादू टोना चलेगा वो भी हमें से नहीं है, और मैं उसकी हश्र के दिन शिफात भी नहीं करूंगा क्योंकि वो हमें से नहीं है। फिर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों चीज बर्बाद हो जाएगी। तो कई को हसद जलन, कई को ला रहे तुम दवाएं, कई को एक दूसरों को डाल के वो कर रहे, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। तुमको अगर किसी ने परेशान करा तो उसके हक में बद्दुआ करो, दुआ करो। सबसे बड़ी तो बात ये है कि माफ कर देना, बहुत बड़ा माफ करने वाला बहुत बड़ा। मगर तुम ये लोग ऐसा करेंगे तो तुम्हारे भी बच्चे, तुम्हारे भी औलाद रहते। तुम अगर दूसरों का बुरा चीतेंगे तो तुम्हारे भी औलादों का बुरा होता आगे। इस वास्ते दुनिया में मनमानियां मत करो, मनमानी करने वाले को बरोबर सजा मिलती दुनिया में, ये बात याद रखना। जालिम को बरोबर सजा देता अल्लाह, दुनिया में ही देता सजा। बहुत सारे राज है, बहुत सारे बात है, मैं इससे आगे क्या बोलूँ तुम लोगों को, मेरे पास बोलने को अल्फाज नहीं है। इसलिए तुम लोगों को बार बार यही बोलता हूँ, मैंने बहुत कुछ तजुर्बे में देखा, बहुत कुछ दास्तान है, और मैंने कोई अमल नहीं सीखा अलग, मैंने कोई उस्तादान कोई वो नहीं है, ये सब अल्लाह ने दिया दास्तान है। इस वास्ते कि आले रसूल औलाद अली है बोलकर अल्लाह ने ये मर्तबा अता करे अली है। कोई शायद इनके औकात नहीं है, फिर कोई हो। कुरान तुम भी पढ़ते हो, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, मैंने कुरान तो पढ़ के दम करा आ गया। इनको तो कुरान ज़्यादा पढ़ के भी दम नहीं करा, मैंने खाली हाथ रखा था मेरा, कैसा अल्लाह ने ताकत रखा, खाली हाथ रखते जा रहा मेरे सामने। वो देखो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औलादों में से बोल के अल्लाह ने सभी अता करे अली है। दास्तान के यजीद के बच्चे इस दौर में मौजूद है, तो इस दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे मौजूद है ना। यजीद के बच्चे दुनिया में जुल्म फैला रहे, उम्मत में फितने फैला रहे, तो उम्मत में अच्छे करने वाले भी उन्होंने अल्लाह ने क्या बोलते बिठा रहे ना, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे। बातें बहुत सारे राज है, बहुत सारी बातें हैं। खैर इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, कोई जादूगर पर बिलीव नहीं करना, कोई भी रंदो क्या भी बोलंदो, कोई जादूगर पर बिलीव नहीं करना, इबादत करना साथ ही साथ। हाँ दरगाहों पर जाओ, दरगाह पे जाने से मना नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उनके बहुत बड़े मर्तबे रखे आज अल्लाह ने, उन्होंने अपनी जिंदगी मिटा दी अल्लाह के लौ में। ऐसी इबादत करे कि रात नहीं देखे, दिन नहीं देखे, इबादतों में मिटा दी, बोल के अल्लाह ने उनको आज वैसे मर्तबे दिया है कि आज भी उनके तुरबत पे जाएंगे तो देखो क्या आलम है। और वही फितने फैलाने वालों के बाप दादाओं के तुरबत पे जाओ, उनके तुरबत पे क्या आलम है, देखो कुत्ते मुत के जा रहे हैं उनके तुरबतों पे, जो उम्मत में फितने डाले नालायक होने के। और जो आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है और जो बुजुर्गान दीन है उनके मर्तबे क्या है, देखो आज भी जाकर, आज भी वहां जाने के बाद अल्लाह आज भी उनके मजारों से फैज दिलाता पूरी दुनिया को। अल्लाह के इल्म की जो अल्लाह ने जो इल्म को समंदर रखा, बहुत बड़ा समंदर है, इल्म को तुम नहीं समझ सकते। इल्म में खिजर और इल्म में मूसा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलो ठीक है, तय बुलमा इबादत की रस्सी में मजबूत इस्तेमाल हो, इबादत ज्यादा से ज्यादा करना ठीक है। चलो कहाँ से आए थे आप लोग? अच्छा क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। वो कौन है? पहले भी फोन करा था वो दुआ पढ़ने के लिए, हर महीना ऐसी छोपा था खया 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 बेजार हो जाता। क्या होता आपको? खया होते कुछ नहीं, दवाखाने बताए थे, बहुत दवाखाने बहुत इलाज आपको लिया, उन्होंने बोले वहाँ जाओ, इन्होंने बोले यहाँ जाओ, मगर वो पेट में खाते महीने में वो टाइम आते ही मगरी हों दो, दोपहर हों दो, सुबह हों दो, खाते ही निकल जाता, खाते ही निकल जाता साहेब, कोई चीज नहीं पता। फिर ये चार दिन पांच दिन टल गए समझो, मट्ठी धूल खाओ, मट्ठी खाओ टल जाता। अब परसों दो महीने तक नहीं हुआ, अब 15 दिन से पड़े हुआ हूँ साहेब। इतना अच्छा, एक बात अभी अंदर आएगा, अभी क्या हुआ कुछ मालूम है तुम्हें? आपसे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और यहाँ क्या चला वो नहीं मालूम आपको? कैसा उनको मुकम्मल तौर से क्या बोलते कुछ याद नहीं है,
वो खाली उगता से याद है स्टार्टिंग है, मैंने जब उंगली रखा था और उसके बाद का कुछ नहीं, उसके बाद का उन्होंने जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा क्या दास्तान थी। तो कैसा रहता है इंसान जब तक देखता नहीं जब तक मानता नहीं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे बातें हैं। खैर अल्लाह के फजल करम से इबादत की रस्सी को कुरान आती के पढ़ने कुरान सीखने के वास्ते कोई उम्र का तकाजा नहीं, कभी भी सीख सकते ना। नमाज की पाबंदी कर लेते, फायदा लगा के सीखने का, अलिफ बे तेज़ी सीखने का पूरा। नमाज की पाबंदी कर, भले ही जिंदगी भर अलिफ बे में भी अटक के रहे तो अल्लाह फिर क्या करता, पूरा कुरान सीखने का सवाब देता। अगर अलिफ बे करते करते भी इंसान दुनिया से कूच करेगा तो अल्लाह बोलता मेरा बंदा आ गया अलिफ बे में चट के आता था जिंदगी भर। अगर मैं उसको 1000 साल की उम्र देता था तो हाफिज कुरान होके आता था। इस वास्ते लिख दो हाफिज कुरान, बल्कि लिखने लगा था आमाल नामे में। फिर इस वास्ते भाई तरह की कंटिन्यू की कोशिश करते रहना सीखने। तो सूरे होते याद होंगे चारों पुल, आयतल कुर्सी भी याद करो, चारों पुल भी याद करो, पानी खत्म करके पी करो। ठीक है चलो, और कुछ पूछ रहे क्या? शिफा मिल गया, गया तो सही मगर उनका भी करा था ना सारे अमल करा के बरोबर जला के राख करना पड़ता, क्योंकि इसको पकड़ के भी तो अपने खुलासा करे क्या था बोल के काम, अगर शैतान है वो झूठ बहुत बोलता, स्वास्थ्य उसको जला के राख करना पड़ता, वो पता था ना बोला मैं कैसे करना क्या करना। चलो ठीक है।